60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगी प्रतिमाह न्यूनतम 3000 रुपए की पेंशन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जनधन खाता धारकों की खुली किस्मत, खाते में हर माह आएंगे 3000 रुपए। जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने हर जनधन खाता धारक के अकाउंट में पूरे 3000 रुपए डालने की घोषणा की है। जानिए क्या है सरकार की पूरी प्लानिंग। जनधन खाता धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने अभी तक जनधन खाता नहीं खोला है तो तुरंत खुलवाएं, क्योंकि केंद्र सरकार अब आपको आर्थिक मदद देने जा रही है। अब आपको हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। सरकार जिस भी योजना के तहत सीधे जनता के खाते में पैसा जमा करती है, उन सभी योजनाओं का पैसा पहले जनधन खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसीलिए आपको जनधन खाता भी खुलवाना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सरकार खाता धारकों को 3000 रुपए दे रही है। इस योजना में नाम मात्र का अंशदान करना होगा, लेकिन इससे वृद्धावस्था में पेंशन का प्रावधान होता है। इस योजना के तहत सरकार जनधन खाता धारकों को प्रति माह पूरे 3000 रुपए ट्रांसफ़र करती है। इस योजना के तहत मिलने वाला पैसा पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिल सकता है, तो हर महीने 3000 रुपए देने वालों के लिए कुछ शर्तें हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमि मजदूर ले सकते हैं। इसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं जब आपकी आय 15000 रुपए से कम हो। इस उम्र के लोगों को सालाना 36000 मिलेगा। केंद्र सरकार की मानधन योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो इस योजना का पैसा उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें सालाना 36000 रुपए मिलते हैं। सिर्फ इतना देना होगा प्रीमियम। इस योजना के तहत हर महीने अलग अलग उम्र के हिसाब से 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक का योगदान देना होता है। अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपए देने होंगे। 30 साल वालों को 100 रुपए और 40 साल वालों को 200 रुपए देने होंगे। इस योजना में रजिस्टर करने के लिए आपको अपने बचत बैंक खाते या जनधन खाते के IFSC कोड की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड और एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस स्कीम से जुड़ने के लिए आपको किसी CSC सेंटर पर जाना होगा। अगर आप खुद से इस स्कीम से जुड़ना चाहते हो तो गूगल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां से उमंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उमंग ऐप के जरिए आप गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीमों से जुड़ सकते हो। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी जानकारियां आपको भविष्य में मिलती रहें। तो फिर मिलूंगा किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।